please come. Good evening. Good evening. Please come. Sit. Thank you. Naresh. जी सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं एंड अपने बारे में, अपने कहाँ से आप हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएं। जी सर, सर मेरा नाम नरेश है, मैं गांव छानीपड़ी तहसील वादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरे माता जी का नाम श्रीमती गीता देवी, पिताजी का नाम श्री अवा सिंह है और मैंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन गाँव से, अपनी सीनियर सेकेंडरी तहसील वादरा से और मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिसार हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से साइंस में की है। इसके अलावा सर मैंने एमएससी केमिस्ट्री एनआईटी जलंधर से की है। मैंने एक साल तक बायोडीजल के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क किया है। मेरी हॉबी साउथ इंडियन मूवीज़ देखना और क्रिकेट खेलना और देखना है सर। गुड, एक बात बताइए आप, आपका जो ग्रेजुएशन में है सडनली ड्रॉप हो गया 78%, 81% एंड सडनली 60% ग्रेजुएशन में। जी सर। फिर आप जब NIT पहुँचे जलंधर तो फिर से अच्छा हो गया 77%। तो ये ड्रॉप क्यों हुआ PCM BSc में जाके? जी सर, BSc में सर मैं क्रिकेट को फील्ड में जाना चाहता था सर, तो वहाँ मैं ट्रायल दे रहा था। उस टाइम हरियाणा प्रीमियर लीग शुरू हुई थी सर, तो उसके लिए ट्रायल दिया था सर। तो फिर आपने क्या खेला? जी सर, प्रीमियर लीग नहीं सर, मेरे कंधे में राइट वाले शोल्डर में सर दिक्कत हो गई थी। अच्छा। तो जैसे वो उतरने के बाद फास्ट बॉलर था मैं, तो वहाँ पे फिर आगे सर उसको छोड़ना पड़ा कैरियर को। तो क्रिकेट अभी खेलते हो कभी कभी? अभी सर बहुत ज़्यादा नहीं खेल पाता, मतलब फास्ट बॉलिंग नहीं कर पाता, फास्ट बॉलर था सर पहले। अच्छा। अब पहले जैसे प्रोफेशनल खेलने का मन था पर अभी उसको आगे परसू नहीं कर पाया सर। जो आपका ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री आपने लिया है एंड लेकिन यहाँ पे आप जो है उसमें वॉचिंग साउथ इंडियन मूवीज और समथिंग हिंदी साहित्य। जी सर, आपने केमिस्ट्री क्यों नहीं ऑप्ट किया? केमिस्ट्री सर, जैसे मैंने बायोफील्ड के क्षेत्र में जो R&D वर्क किया था तो पहले सर उसको आगे परस्यू करना था, तो फिर उसके लिए मैंने PhD में ट्राई किया था। तो फिर जैसे सर ने कहा भी, जैसे इस फील्ड में रिसर्च तो हो चुकी है जैसे काफ़ी, लेकिन आगे इसके लिए जैसे पॉलिसी की और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा सर, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में आने के बाद हमें लोगों के बीच काम करना होता है, जो हिंदी साहित्य है वो लोगों को समझने का माध्यम है, तो उनके लिए पॉलिसी बनाना, उनको कन्वेंस करना, तो उसके लिए ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट या फिर हिंदी लिटरेचर सर उसमें मदद कर सकता है। जो बायोडीजल आपने बोला, बायोडीजल? जी सर। क्या उसमें बेस प्रोडक्ट क्या था जिससे जो जिससे क्या मैंने कहां सर, से आप शुरू किया था जिसमें? मैंने सर तीन बायोडीजल पे जैसे तीन बेसिक कंपोनेंट लेके उसके बायोडीजल बनाए थे, फिर उसको जो अपने कौन से तीन जो उसका सर, एक तो सर मैंने रॉ मटेरियल क्या था? राइस ब्रान लिया था सर, राइस ब्रान। दूसरा मैंने फैटी एसिड लिए थे ओके, जो वहाँ पे सोप थे वहीं से, और तीसरा सर मैंने लिया था इसमें सोयाबीन ऑयल का। तो सोयाबीन ऑयल पहले टेस्टेड था, मेरे सीनियर ने किया था, पर मैंने तीनों स्टार्टिंग से बना के इंडिजीनियसली डेवलप्ड था हमारा। उसके बाद सर जो पेट्रो डीजल जो पेट्रोल पंप पे मिलता है उसका, फिर 20/80 30/70 40/60 का ब्लेंड बना के, और एक जो इंजन था इंस्टीट्यूट में उस इंजन में चला के देखे थे सर सभी। तो उसके ऊपर फिर PH की स्टडी करी थी, पॉलीसाइक्लो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। करोजन पे क्या फ़र्क पड़ा था तीन अलग अलग करने पे? जो करोजन पे जो आपका इंजन की जो लाइनिंग वाइनिंग पे क्या कोई फ़र्क पड़ा था जब आप ब्लेंडिंग कर रहे थे, ये आपने राइस ब्रांड से किया या दूसरा आपने फैटी एसिड से किया, तो उससे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं सर, मैंने जैसे जो उसका एग्जॉस्ट निकलता है ना सर, उस एग्जॉस्ट की स्टडी की थी, उसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निकलते हैं उनका ध्यान किया था सर। अच्छा। तो उसका कंपैरिजन किया था, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं जिससे कैंसर और अन्य बीमारियां होती है, तो उसका कंपैरिजन किया था भी कौन सा ज़्यादा सेफ है, बायोडीजल या फिर डीजल, तो उसका ध्यान किया था सर। क्या एरोमेटिक कंपाउंड का क्या वो था, कंपोजिशन क्या था जो निकल? 16 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखे थे सर हमने जो मेन, वैसे तो एग्जॉस्ट से 2000 से अधिक पॉलीसाइक्लो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, अभी तक 600 को ही मतलब रिकॉग्नाइज कर पाए हैं, उनका इफेक्ट देख पाए हैं। जो हमने देखे थे वो 16 का अध्ययन किया था सर, जैसे पीरिडीन था सबसे फेमस मेरा, तो जो सबसे अपने लिए कार्सिनोजेनिक होता है पर उसकी अमाउंट लो निकली थी उसमें। क्या और भी कोई एरियाज हो सकते हैं जिससे, और भी कोई रॉ मटेरियल हो सकता है जिससे कि आप बायोडीजल बना सकते हो? What about your thought about Jetrupa?
जेट्रोफा हो सकता है सर। इससे भी सर जैसे अच्छे जो अवेलेबल सोर्स है, जैसे हम अब सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, उन पे जाना होगा सर हमें। एलगी जैसे, जी सर एलगी सबसे एक तो सर ज़्यादा प्रोडक्टिव है वो, जैसे समुद्र में होती है तो उससे फूड की इशू नहीं होती। जैसे सोयाबीन पे मैंने अध्ययन किया था तो सोयाबीन हमारे खाने के लिए यूज होता है, तो इससे सर फूड वर्सेज फ्यूल की जो डिबेट है वो भी बढ़ती है। तो हमें सेकंड जनरेशन जैसे एलगी हो गए या फिर जो वेस्ट हो गया, इस पे अध्ययन करना होगा सर हमें। तो थर्ड जनरेशन पढ़ रहे हो इसको? नहीं सर अभी, जैसे इसको जैसे एमएससी के बाद से यूपीएससी को परस्यू किया था तो इसको छोड़ दिया। नहीं मान लीजिए कि कल को आप कहीं ऐसी पोजीशन में पहुंच जाओगे, डीएम बन जाओ, तो अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या आप इसको, इसके लिए क्या पॉलिसी लाना चाहोगे? जी सर क्योंकि क्योंकि पेट्रोलियम का क्या आप हमारे हम सेल्फ सफिशिएंट हैं भारतवर्ष में? नहीं सर, पेट्रोलियम का जैसे हम 80% से अधिक जो हमारी निर्भरता है वो आयात पे है सर। अच्छा, उसके अलावा जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है सर, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, जिसको राजस्थान ने सबसे पहले अडॉप्ट किया था सर, तो उसमें हमने यही देखा है कि जो सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन होता है, जिसमें हम जैसे खाद्य पदार्थों को छोड़ के जो हमारे वेस्ट मटेरियल हो गए या फिर जो एलगी हो गए उन पे अध्ययन कर रहे हैं, तो उस पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा सर मैं इसमें। और इसको अपनाने में सर मैं काफ़ी मतलब खुशी महसूस करूँगा, क्योंकि मैं अपने फील्ड को जैसे फिर इसी को जो लैब से है वो हमारे जो खेतों से और उसे आम आदमी के जीवन से जोड़ सकता हूँ सर इसको। तो क्या इसके लिए क्या आप अपना, मान लीजिए कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम हैं, जी सर, तो वहाँ क्या वहाँ के किसानों को एनकरेज करोगे कि थोड़ा सा अपना वो एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज करें कि ये इसके बजाय ये चीज़ लाएं, दूसरी चीज़ लाएं? जी सर, इसके लिए जैसे हो सकता है, आजकल जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो वाटर स्ट्रेस की तरफ ले जा रहा है सर। जैसे गन्ने की फसल होगी, धान की फसल होगी, अगर उसको छोड़ के हमारी ज़मीन पे जैसे जेट्रोफा हो गए तो वो सर हमारी एक तो ऑयल इंपोर्ट है उसकी भी डिपेंडेंसी कम करेगा हमारी, दूसरा जो सेफर फ्यूल है और जो हमारे जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन की समस्या है तो उसको भी सोल्व करेगी। इसके लिए सर स्टार्टिंग में फेज में हमें किसानों को इंसेंटिव देना होगा मैम, तो उस इंसेंटिव के थ्रू बाद में हाँ वो जैसे सेल्फ सस्टेन भी हो सकते हैं टेक्नोलॉजी से और जो स्किल मैन पावर बनने के बाद में सर ये जैसे फसलें आई है काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकती है। आप किसी किसी विदेश के साथ इसका कोई कोलैबोरेशन चाहोगे इसमें करना? कौन सा देश है जहाँ की बायोडीजल पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है? बायोडीजल पर सबसे ज़्यादा सर अभी जैसे ब्राज़ील में बहुत अच्छा काम हो रहा है सर इस पे, और मैंने खुद भी जैसे अध्ययन किया था इसमें, तो ब्राज़ील में सर जो ज़्यादातर जो बायोडीजल बना रहे वो गन्ने से और उस पे बना रहे, जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग मेथेनॉल उस पे फोकस कर रहे हैं। जी सर, तो उसके अलावा जो यूरोपियन कंट्री है, स्वीडन हो गया, स्विट्ज़रलैंड, उनमें भी सर इनमें बहुत अच्छा मतलब रिसर्च वर्क भी हो रहा है, और वहाँ मतलब ट्रांसपोर्ट है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी बायोडीजल पे चल रहा है। इंडिया में भी इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, देहरादून से दिल्ली पहली फ्लाइट आई थी सर, जिसमें जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसमें बायोडीजल ब्लेंडेड थी वो, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है अभी, तो इसमें सर मैं कोलैबोरेशन करना चाहूँगा। इसको कभी आपने वो जो करोजन में पूछ रहा हूँ, जो जंग लगती है ना अंदर लाइनिंग में, जो टैंक वैंक में, वो कहीं आपने स्टडी करने की कोशिश की कि आपने सिर्फ एग्जॉस्ट गैस पे ही काम? एग्जॉस्ट पे था सर हमारा, और वो ईंधन जैसे बंद था तो वो हमारे लिए जैसे वो एग्जॉस्ट पाइप है वहीं तक अलाउड था, जैसे उसका धुआं कलेक्ट करना था हमें एक फिल्टर पेपर से लेके, उसी का अध्ययन किया था सर हमने। साउथ इंडियन मूवी आपको देखने का शौक, कौन सी मूवी, कौन आपका हीरो कौन है वहाँ? हीरो सर अल्लू अर्जुन और महेश बाबू दोनों काफ़ी अच्छे लगते हैं सर। महेश बाबू की कौन सी आखिरी पिक्चर देखी है आपने? महेश बाबू की आखिरी सर भारत अन्ना नेनू देखी है, जिसमें जैसे अपना ये चलान का जो कंसेप्ट है अभी तो उस पर बेस्ड है उसका, जैसे मैंने डब्ड देखी थी सर जो डैशिंग सीएम भरत के नाम से थी। अच्छा, तो अच्छी लगी, उसमें क्या चीज़ आपको अपील की, और आप ऐसे जो ब्यूरोक्रेट आप उसको अपने एरिया में इंट्रोड्यूस करना चाहोगे? उसमें सर सबसे पहले तो जैसे ये हमने जो चलान वाला कंसेप्ट है वही था उसमें, जैसे चलान बढ़ाना, जैसे हेलमेट का विदाउट हेलमेट 10,000 रुपये फाइन करने वाला, तो ये कंसेप्ट है सर पहले तो, जैसे हमारे मोटर व्हीकल एक्ट कर अमेंडमेंट में इसको अपना चुके हैं। दूसरा सर उसमें सबसे ज़्यादा था कि एक सीएम होते हुए भी जैसे महेश बाबू है उन्होंने लोगों से इंटरेक्शन मतलब पर्सनली मिलना कॉन्फ्रेंस करना, तो उनको कन्विंस किया था सबसे पहले, फोर्सफुली अप्लाई नहीं किया। स्टार्टिंग में जैसे लोगों को दिक्कत हुई थी मूवी में, पर धीरे धीरे सारे लोगों ने उनकी मान ली थी, जैसे एक्सीडेंट कम हुए थे। और वो आप जो ये बोल रहे हो कि ये मोटर व्हीकल एक्ट में इतना हैवी फाइन 10,000 रुपये 5,000 रुपये, आप एग्री करते हो या ये ठीक है या ऐसा नहीं होना चाहिए या इसका कोई ऑल्टरनेटिव आपके दिमाग में है? जी सर,
जैसे मैं कहूँ इसके एग्री तो सर मैं इससे एग्री करता हूँ, पर जैसे हमें इसके लिए ज़रूरत क्यों पड़ी पहले देखना होगा सर। पहले हमारा जो एक्ट था 1986 का मोटर व्हीकल एक्ट, उसके बाद से जैसे हमारे इंजन की या फिर जो गाड़ियों के उसकी स्पीड भी चेंज होगी, हमारा व्हीकल का पैटर्न भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, जैसे संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, हाई स्पीड गाड़ियाँ आने लगी। उसके बाद जैसे हमारी प्रतिवर्ष 1.5 लाख से अधिक जो रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है सर, पूरे वर्ल्ड में जितने एक्सीडेंट होते हैं उसमें 10% से अधिक इंडिया में होते हैं, तो इसलिए इसकी ज़रूरत थी सर। उसके साथ ही हमें करना क्या होगा आगे, इस पर ध्यान देना होगा सर, जैसे अच्छे रोड बनाने होंगे, इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होना होगा, बिग डेटा एनालिसिस जैसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना होगा सर हमें। उन टेक्नोलॉजी से हम देखेंगे भी कौन से ज़्यादा व्हीकल से एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहा है, ब्लैक स्पॉट पहचानने होंगे, लोगों का अवेयरनेस और इन सब पे एक साथ फोकस करना होगा सर। आप अखबार पढ़ते हैं रोज? जी सर, रोज पढ़ता हूँ सर। तो आप देख रहे होंगे आजकल राज्य सरकार, जी सर, संसद की बनाई हुई जो विधियां हैं उनके भी विरुद्ध जा रही हैं, बल्कि ममता बनर्जी ने तो एक बारी चैलेंज भी किया था आधार एक्ट को, हालांकि केस डिसमिस हुआ, और अब वो सभी को पत्र लिख रही हैं दूसरे मुख्यमंत्रियों को कि एनपीआर का विरोध करें। अब आप प्रशासक होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, क्या आप भी विरोध करेंगे? नहीं सर, केंद्र के कानून का विरोध नहीं करूंगा सर, मैं उसको इंप्लीमेंट करना उसको अब जिस राज्य सरकार के लिए आप काम कर रहे होंगे, जी सर, वो राज्य सरकार ही सहयोग नहीं कर रही है, तो ब्यूरोक्रेट के रूप में आप कैसे इसका प्रवर्तन करेंगे? अभी सर जैसे राज्य सरकारों ने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखना होगा, अगर वो बेहतर है तो उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। हाँ, अगर राज्य सरकार मना करती है तो उसको सर। अभी हाल में कुछ आईएएस ऑफिसर्स ने केंद्र से नाखुश होकर त्याग पत्र भी दिया, जी सर, क्या आप भी ऐसा करेंगे अगर आपको लगता होगा कि केंद्र के किसी निर्णय से आप इत्तफाक नहीं रखते, संसद के बनाए कानून से आप समर्थन आप नहीं देना चाहते, तो विरोध का ये तरीका अपनाएंगे आप? नहीं सर, मैं इसको नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि सर जिस संस्था के लिए हम आते हैं, जैसे लोगों की सेवाओं के लिए, पब्लिक लार्जर पब्लिक गुड के लिए आते हैं, उसको ध्यान में रखूंगा सर मैं, इसको अपने व्यक्तिगत स्तर पे ना लेते हुए मैं लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा सर। इस कथन से आप सहमत हैं कि लोकहित याचिकाएं लोकहित के लिए थी, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या से लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है, इससे सर मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ सर। जैसे जो PIL है वो आज भी जैसे लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है सर, तो लोकतंत्र का ह्रास नहीं हो रहा सर इसे। हाँ, इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है, पर उसके लिए हमारे पास जैसे अदर मेजर्स भी है जो हम ले सकते हैं। आप जितने भी जनहित याचिकाकर्ताओं को देखें, जी सर, वो एक ऊंचे वर्ग से बिलोंग करते हैं, या तो वो लॉयर्स होते हैं या वो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के हैं, जी सर, वो जनता के लोग तो नहीं है, वो एलीट क्लास है, जी सर, और इन्हें जो सही लगता है वो जनहित याचिका के रूप में ले जाते हैं न्यायालय के पास। तो आपको नहीं लगता कि न्यायालय में बैठे न्यायाधीश जो खुद एलीट वर्ग के हैं, जी सर, और जो याचिका करता है वो भी एलीट वर्ग के, यही दोनों मिलकर तय कर लेते हैं कि देश के हित में क्या है या जनता को क्या चाहिए? तो ये लोकतंत्र का ह्रास नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता कि न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं को जन्म देकर एक दानव को जन्म दे दिया? नहीं सर, लोग जैसे लोक हित याचिका नाम से स्पष्ट है, लोगों की भलाई के लिए ही आई है सर वो। अगर उसकी बात की जाए अब तक जैसे हम उनका देखना होगा, परिणाम पे ध्यान देना होगा सर। जैसे जेल में बंद कैदियों के लिए हमने जो सुधार किए हैं, बाल श्रम के लिए जो सुधार किया है, तो इसके लिए जो सीओ मुट्टो मोशन से जो न्यायालय जो काम करा है सर, उसके लिए जनता की भलाई तो हुई है सर। हाँ, इसकी संख्या में लगातार इजाफा हुआ है सर, पर उसको सिक्योटनाइज किया जा सकता है सर। पहले एक सिलेक्शन कमेटी हो जो देखे भी ये याचिका हमें स्वीकार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन तरीकों को उठाना चाहिए सर। किसी भी जैसे कानून का या याचिका का गलत इस्तेमाल हो रहा है उसके आधार पर हम इसे बंद करने का नहीं सोच सकते सर। हाँ, इसमें सुधार किया जा सकता है। हमारे संविधान में सांसदों को वाक स्वतंत्रता है, जी सर, कुछ भी बोलने या कहने, जो संसदीय प्रक्रिया के दौरान वो कुछ बोल सकते हैं, कह सकते हैं अपने मन की बात। एंटी डिफेक्शन लॉ जब बना, तो आपको नहीं लगता कि ये संविधान में लिखे इसी अनुच्छेद का उल्लंघन था? एंटी डिफेक्शन लॉ दरअसल असंवैधानिक है, ये राजनीतिक दलों की विचारधारा से सांसदों को बांध देता है, और सांसद उन्मुक्त होकर अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं संसद के अंदर। इस तरह से
विधायिका का राजनीतिकरण कर दिया गया। जी सर, पहले हमें जैसे दल बदल जो अधिनियम है उसका और जो वाक की स्वतंत्रता उसको पहले सर देखना होगा। जैसे आर्टिकल 75 में संविधान में कहा गया कि जैसे जो सांसद है वो सलाह देने के लिए या संसद में जैसे विचार करने की उनकी स्वतंत्रता है, जबकि दल बदल का कानून उस वक्त पे लेके आए थे हम जब सब लोकतंत्र के लिए खतरा महसूस हो रहा था, जैसे लगातार जो हमारा लोकतंत्र का स्तर गिर रहा था। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ में सर पहले हमें देखना होगा, जब लोग वोटिंग करते हैं तो उस टाइम वो अनेक बार ये नहीं देखते कि जिस व्यक्ति के लिए वोट कर रहे हैं, जबकि अनेक बार दल की जो उनकी सिद्धांत है, दल की जो विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर भी वोट देते हैं सर। तो अगर कोई सांसद चुना जाता है तो उसको हम सिर्फ इस लेवल पे नहीं देख सकते कि वो इंडिविजुअल लेवल पे चुना गया है, जबकि वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ा है, उसकी विचारधारा का उसने प्रचार किया है, उससे उसने फंडिंग पाई है, तो उस विचारधारा के साथ उसको सहमत होना सर सही है। क्योंकि इससे क्या है, कानून में या फिर जो हमारे लोकतंत्र में उसमें स्थिरता बनी रहती है, जो एक अच्छे लोकतंत्र के भविष्य के लिए अच्छा है सर। तो आप एंटी डिफेक्शन लॉ को बिल्कुल सही मानते हैं। अभी हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने एंटी डिफेक्शन लॉ में ही स्पीकर को जो शक्तियां दी गई थी सर, उस पर कुछ निर्बंधन लगाए हैं क्या? सर, सुप्रीम कोर्ट ने सर अभी जैसे हाल फिलहाल में जो डिसीजन दिया है पीछे दो बार, जैसे एक तमिलनाडु के केस में दिया विधानसभा के मामले में और एक जो जनरल के मामले में दिया है, उन दोनों में जैसे समय सीमा तय करने की बात कही है सर। जैसे पहले हमने देखा था कि तमिलनाडु में 11 जो विधायकों के एंटी डिफेक्शन का जो केस था उसमें पिछले 2.5 साल से डिसीजन नहीं आया था, और अन्य कानून में भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से और केंद्र से पूछा है कि जैसे इसके लिए समय सीमा तय की जाए लोकसभा अध्यक्ष से और इनसे, तो 90 दिन के समय भीतर ये सब करने का कहा है सर। तो ये इससे अच्छा है कि जैसे जल्दी डिसीजन देने के मामले में फिर इस पर प्रेशर भी रहेगा कि जैसे अच्छे डिसीजन भी आएंगे सर इससे। अधिक लंबे समय तक विलंब करना सर इसके लिए नुकसानदायक है। नरेश जी सर, अभी आप कह रहे थे कि हमने केमिस्ट्री छोड़कर हिंदी इसलिए लिया कि ये लोगों की कम्युनिकेशन की भाषा है, आसानी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं जी सर। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें कि केमिस्ट्री को अगर प्रशासन में यूज करना हो तो किन किन ऐसे 5 पॉइंट बताइए जहां पर आप यूज कर सकते हैं केमिस्ट्री को प्रशासन में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए लोगों को? केमिस्ट्री को सर हम जैसे पहले दो तरीके से देखेंगे, एक तो उसके अंदर जो काम हो रहा है पहले उसका ध्यान देना होगा, दूसरा हम जैसे जो केमिस्ट्री से जो जनरल सीखते हैं हम या फिर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट सीखते हैं उन दोनों को सर मैं अलग अलग बताना चाहूँगा। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हेल्थ के फील्ड में जैसे केमिस्ट्री का उपयोग किया जा सकता है, जैसे अभी हमें कोरोना वायरस का देखें तो उसकी जैसे दवा में फिर या उसके लिए जो मेजर्स लिए जाने चाहिए सुरक्षात्मक जो उपाय हैं उसके उपयोग हो सकता है। दूसरा सर जैसे पर्यावरण में, जैसे मैंने उस फील्ड में काम किया था एयर पोल्यूशन के फील्ड में, उसमें भी उपयोग किया जा सकता है। तीसरा एजुकेशन के फील्ड में जैसे केमिस्ट्री को बढ़ावा देकर, साइंस के फील्ड में जैसे हमारा R&D में सर बहुत ही कम वर्क है तो लोगों में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको बढ़ाएंगे सर हम। उसके अलावा सर जो केमिस्ट्री से हम जनरल सीखते हैं जैसे लैब में या जो पढ़ते वक्त सीखते हैं उसका उपयोग किया जा सकता है सर। उसमें जैसे मैं कुछ बताना चाहूँगा, पहला जैसे कोई भी जो काम है उसको हम फ्यूचर में और सुधार कर सकते हैं, जैसे हमने पॉलिसी बनाई वो अभी अच्छी है पर उसमें और सुधार की गुंजाइश है, ऐसा केमिस्ट्री में भी होता है। जैसे पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल के रूप में होता है, उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, उसी के लिए बाद में ये बताया भी एक वेव नेचर भी होती है उसकी, उसके लिए भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो किसी भी पॉलिसी में या किसी भी काम में उसके अलग अलग बाद में भी सुधार किया जा सकता है सर। अभी आरओ हमारे यहाँ चर्चा में है जी सर, तो इसकी वजह से बताते हैं लोग कि इससे बहुत अधिक पानी वेस्टेज जाता है जी सर, तो इस आरओ में क्या ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि पानी भी वेस्टेज ना जाए और हमारे हेल्थ के लिए भी यूजफुल हो, कुछ केमिस्ट्री के पर्पस उसमें कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? केमिस्ट्री में जैसे सर अभी हम आरओ में यूज करते हैं वो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक को बोलते हैं सर, जिसके माध्यम से जैसे जो साफ पानी है वो तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, जबकि जो दूसरा जो वेस्टेज जो पानी हम बोलते हैं वो 80% से अधिक वेस्ट हो रहा है सर, उसके लिए हमें मेन फोकस तो जो हम फिल्टर पेपर यूज़ करें ना सर उसी पे करना पड़ेगा, उस फिल्टर पेपर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे 100 माइक्रोन का जो अभी जो फिल्टर होता है सर वो यूज करते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। जैसे हम नए नए कैटालिस्ट भी ढूंढ रहे हैं सर अभी, जैसे प्लेटिनम कैटालिस्ट है, हालांकि अभी वो काफ़ी महंगा है पर उसका भी उपयोग किया जा सकता है सर। तो क्या उससे फ़ायदा होगा सर इसके लिए? चलिए खैर, सपोज दैट आप DM हैं और आपकी किसी रिमोट एरिया में दूरस्थ क्षेत्र में नियुक्ति है, कोई ऐसा जिला है जो बहुत ही इंटीरियर एरिया में पड़ता है जी सर, और सडनली आपके परिवार में किसी व्यक्ति को बहुत सीरियस वो बीमार हो गए, अब उनका ट्रीटमेंट वहाँ दूरस्थ एरिया में हो नहीं सकता है,
और आप जिले में एक जिम्मेदार पद पर हैं, जिले को छोड़ करके शहर में आ ही सकते हैं जी सर, तो क्या आप एक्शन लेंगे? क्या आप त्याग पत्र दे करके अपने परिवार सदस्य देखभाल करेंगे, या फिर अपने जिले को प्राथमिकता देंगे और परिवार को छोड़ देंगे, या तो अपना ट्रांसफर किसी शहर में करा लेंगे जहाँ पर उस व्यक्ति का देखभाल हो सकता हो? क्या आप सुनना है इसके लिए सर? जैसे परिवार के किसी व्यक्ति के इलाज करवाने का है तो मैं सर पहले जैसे या तो मेरे भाई को या परिवार के अन्य सदस्य, आप जिम्मेदार व्यक्ति और कोई आपका सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी आपकी बनी वाली है। ठीक जी सर, इसके लिए सर मैं जैसे अपना ट्रांसफ़र या इस्तीफे के जैसे बारे में तो सोच नहीं सकता सर, क्योंकि जब हम पब्लिक सर्विस में आए थे तो हमें पता था कि इस तरह के प्रेशर या फिर ऐसी सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ सकता है सर। और जैसे इलाज की हो तो जैसे शहर में सर जैसे एक बार भर्ती करवाने के बाद या फिर नर्स के या फिर उनके माध्यम से इलाज करवाया जा सकता है सर, क्योंकि मेरा जो वहाँ पर काम है वो मेरे द्वारा ही पॉसिबल है सर, जबकि जो उनका इलाज का है उसकी देखभाल के लिए डॉक्टर या फिर केयर टेकर रखा जा सकता है सर। ओके नरेश जी मैम, यू वॉच साउथ इंडियन मूवीज राइट? जी मैम। आपने महेश बाबू का डैशिंग सीएम देखा, ईश्वर करे आप डीएम बने। जी मैम, पॉलिसीज और प्रोग्राम के अलावा एक डैशिंग डीएम बनने के लिए आप क्या तीन क्वालिटीज को हमेशा अपने जुनून के साथ बांधे रखेंगे, आपके सोल के साथ वो जो कनेक्टेड होगा एक डैशिंग डीएम बनने के लिए क्या करेंगे आप? एक तो मैम मैं सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटी पे फोकस करूँगा मैम, जो मुझे लगता है कि एक डैशिंग सीएम के लिए सबसे ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे टीम वर्क के रूप में काम करना है तो अपने साथ में जैसे कोलैबोरेटिव एफर्ट से ही हम सुधार कर सकते हैं। दूसरा मैम मैं लिसनिंग पावर, जैसे डैशिंग का मतलब यहाँ मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अधिकारवादी हो गया मैम, तो लोगों को सुनना उनकी समस्याओं को समझना भी ज़रूरी है मैम। और तीसरा मैम सबसे जो इम्पोर्टेंट और मैं कहना चाहूँगा तीसरा वह विजनरी होऊंगा मैम मैं, जैसे ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ जो एक्शन लूँ वो इमीडिएट इफेक्ट के हों, मैं ऐसे इफेक्ट भी लेना चाहूँगा वहाँ पे, अगर जैसे मुझे हटा दिया जाए या फिर जो चेंज एजेंट होता है उसको हटाने के बाद भी जो प्रयास है वो लंबे समय तक कायम रहे मैम। शोल्डर डिसलोकेशन के कारण आपने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, बट आप क्रिकेट देखते हैं। जी मैम, डेढ़ सप्ताह पहले राजस्थान रॉयल्स के एक प्लेयर उसको मैन ऑफ कैच ऑफ द मैच करके उसको बोला गया, एंड ही वॉज मेकिंग अ बिग स्टोरी, ट्विटर में भी बहुत कुछ बोला गया उसके लिए। हु इज दैट प्लेयर? सॉरी मैम ये तो मैंने अभी नहीं सुना। ओके, अभी सर ने पूछा था मोटर व्हीकल्स एक्ट। जी मैम। ओके, उसमें जो चलान है जी मैम, अगर आपको मैं एक लेख लिखने को कहूँ तो अभी आप ओरली बोल दें कि ये जो चलान है ये हमारे आदतों पर चलान है, जनता की आदतों पर चलान है एक्चुअली। जी मैम। तो सहमत हैं आप? जी मैम सहमत हूँ मैं। कैसे, क्यों? जैसे कि मैम हम जानते हैं कि जैसे मोस्टली लोग जो मोटर व्हीकल्स या फिर जो व्हीकल्स चला रहे हैं कोई भी टाइप की वो एजुकेटेड लोग हैं मोस्टली, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस भी बनवाए हैं, तो और जो व्हीकल्स चला रहे हैं वो उन रूल्स को जानते हैं, रूल्स जानते हुए भी जैसे ट्रिपलिंग का है या फिर जैसे विदाउट लाइसेंस का भी हो गया, फिर ड्रिंक ड्राइव का केस हो गया, वो मैम वो जानबूझकर या फिर अपनी आदतों की वजह से कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इससे सहमत हूँ मैम कि उनकी आदतों की वजह से चलान किए जा रहे हैं। ऊपर चलान है राइट? जी मैम। ओके, हैप्पीनेस और जॉय, व्हाट इज द डिफरेंस? खुशी और आनंद, इसका डिफरेंस बताइए। जॉय तो मैम जैसे एक इंस्टेंट मोमेंट के लिए भी हो सकता है, जैसे कि मैं मैच देख रहा हूँ तो जैसे एक कैच ले लिया तो मैं वो जॉय बोल सकता हूँ मैम, जबकि हैप्पीनेस एक लॉन्ग टर्म का हो जाएगा मैम, जैसे हम मैच जीत गए या फिर इसी तरह से, तो जॉय है वो एक एक क्षण के लिए है, एक पल के लिए, जबकि हैप्पीनेस एक लॉन्ग टर्म का कंसेप्ट है मैम, लॉन्ग लास्टिंग। मैम मैं यही जानता हूँ। केजरीवाल सरकार दोबारा आ रही है जी मैम, और हमारे मनीष सिसोदिया जी जो एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं उन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम वो लेकर आए। जी मैम जी। ओके, तो क्यों हैप्पीनेस करिकुलम की ज़रूरत है बच्चों के लिए? जी मैम, इसकी जैसे ज़रूरत इसलिए महसूस हुई, जो हमारा जैसे सिलेबस हो गया, जो हमारा एजुकेशन पैटर्न हो गया, तो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड या फिर मेरिट ओरिएंटेड होते जा रहे थे, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम थी, जिसमें बच्चों के सीखने से अधिक उनके रटने पे, उनकी डिग्री पाने पे, इन पे ज़्यादा फोकस हो रहा था मैम, जबकि एक्चुअल में हम देखें तो उसको अच्छे से सीखने का मतलब ग्रहण करना था मैम, जो खुशी से सीखें, उसमें इन्वॉल्व हों, उसमें पार्टिसिपेट करें मैम, तो इसलिए हैप्पीनेस करिकुलम जो स्कूल का इन्वायरमेंट है और जो टीचिंग का प्रैक्टिस है उसको मैम बेटर करने का एक प्रोसेस है मैम।
अभी तो केवल वो दिल्ली में, अगर आपको एजुकेशन सेक्टर मिलता है, मिनिस्ट्री मिलती है, तो आप बाकी स्टेट्स में लाना चाहेंगे? वहाँ तो शुरुआत होनी है, और आप सरकार तो अभी सिर्फ दिल्ली में है और केरला और कुछ एरियाज में थोड़ा बहुत, राइट? जी मैम। सो आप, मगर मान लो आप ऐसी जगह पोस्टेड हैं जहाँ पर आपका कोई नामो निशान नहीं, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट दिस नोइंग दैट हैप्पीनेस करिकुलम इज़ गुड? इसके लिए मैम जैसे पहले वहाँ पे देखना पड़ेगा, जैसे किस प्राइमरी स्कूल में या फिर जैसे मीडियम स्कूल में, सीनियर स्कूल में हमारे पास कितने बच्चे हैं, हमारे पास कितने रिसोर्स हैं, टीचर है, वहाँ का जैसे रिजल्ट देखना पड़ेगा मैम। पहले मैं इन सब का अध्ययन करके ही डिसीजन लेना चाहूँगा मैम। जैसे उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो हम जैसे पहले स्किल प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे कुछ टीचरों को दिल्ली भेज दिया या फिर जैसे किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोलैबोरेशन हुआ, उनका सेमिनार आयोजित करवाना। तो पहले जो टीचर या फिर जो ह्यूमन रिसोर्स उन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं मैम, सबसे पहले मैं उन पर फोकस करना चाहूँगा। उसके बाद मैम जो रिसोर्स प्रोवाइड करवाना होगा उनको, उन रिसोर्स प्रोवाइड करवाने में जैसे जो खेलने के माध्यम से सीखने का है तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल करवाना स्कूलों में जो, उसके बाद निगरानी का भी इसमें मैम पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि एक बार स्टार्ट करने के बाद इसको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है मैम। तो इन सारे मेजर से मैम मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के लिए जो कि फ्यूचर में अच्छे ह्यूमन कैपिटल बनाने में योगदान दे सकते हैं, तो इसको मैं अपनाना चाहूँगा मैम। जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया वगैरह हम यूज़ करते हैं फॉर सर्जरी, राइट? इवन फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन वी गिव लोकल एनेस्थीसिया, बट आजकल लाफिंग गैस भी यूज़ किया जाता है यूके में वगैरह, तो व्हाट इज दिस लाफिंग गैस? मैम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, पर जैसे मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है मैम लाफिंग गैस। ओके, लिटिल बॉय सुना है आपने? जी सर। मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे लिटिल बॉय? लिटिल बॉय सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो जो अमेरिका ने जो हिरोशिमा पे जो बम गिरवाया था उसका नाम है सर, जो 6 अगस्त 1945 को गिराया था सर, जो मेरी बर्थ डेट है सर 6 अगस्त। जी सर। एंड हु वाज द प्रेसिडेंट? कौन वो प्रेसिडेंट था जिसने ऐसा डिसीजन लिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनने का? अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? रूड्रो विल्सन थे सर। हाँ, विल्सन, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी बहुत सारी बातें आपसे हुई, आपने केमिस्ट्री से हिंदी लिया। जी सर। क्या मैं जान सकता हूँ कि व्हाट इज केमिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर? यू नो केमिस्ट्री? जी सर। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? यू नो हिंदी लिटरेचर? जी सर। व्हाट इज केमिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर? What is plastic? प्लास्टिक के सर जैसे डिफरेंट डिफरेंट रूप होते हैं, पर प्लास्टिक होता है जो इलास्टिसिटी को बरकरार रखता हो सर, मेन जो हम देखते हैं करेक्टर उसका। थोड़ा और डिफाइन कीजिए प्लास्टिक को, क्योंकि आज दुनिया में सब जगह सबसे हैजार्डस, और हम भी सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाने की तरफ हैं, हम भी अवेयरनेस की ओर हैं। जी सर। ये प्लास्टिक एक समय डिमांड, एक एक घर की पहचान थी, एवरीथिंग यू यूज प्लास्टिक, और आज बहुत बड़ा जो है विश्राम बन गई है। जी सर। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री के तरफ से, और व्हाट इज प्लास्टिक थोड़ा और? जी सर, ये एक पॉलीमर है सर, जैसे प्लास्टिक मेनली एक पॉलीमर होता है सर, जो एथीन से बनाते हैं हम, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो उससे पॉलीथीन बनाया जाता है। तो जो बाकी जो प्लास्टिक होते हैं सर, PVC पाइप और सब, ये सब पॉलीमर का टाइप है। गुड। अच्छा, अभी जैसे आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी सर, इन्होंने बहुत सपने दिखाए, बहुत सारी बातें की, और एक बड़ा अच्छा नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं। So, what do you think? What is अच्छे दिन for India? अच्छे दिन सर, जैसे मैं समझता हूँ तो empowerment of people से related था सर, जैसे लोगों का empowerment, और empowerment सिर्फ हर फील्ड में करना था सर, जैसे उनका social भी, political भी, economical empowerment की बात थी। तो मैं लगता है वो succeed हैं? क्या हम अच्छे दिन की ओर हैं, या और कुछ लोग कहते हैं कि हमें बुरे दिन ही लौटा दो, इससे अच्छे हमारे पुराने दिन थे? नहीं सर, जैसे हम अच्छे दिन की ओर बढ़ रहे हैं सर, जैसे इसके लिए मैं बताना चाहूँगा सर, जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम है जो कंटिन्यू बढ़ रही है, उसके अलावा जैसे सर हम देखेंगे सोशल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, जैसे उनके लिए आयुष्मान भारत की जो स्कीम आई थी सर, उसके माध्यम से लोगों का इलाज हो रहा है सर। तो अच्छे दिन का जैसे क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं कि अगर लोगों की हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो रहा है, उनके एजुकेशन रेट में बढ़ रहा है सर, उसके अलावा अगर वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है तो हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं सर। अभी जैसे देखो, इस सरकार जब भी कोई अब नया प्रोग्राम या कोई पॉलिसी ला रही है, कोई चेंज ला रही है, उसके खिलाफ एक बड़ा अनरेस्ट है, ना केवल पॉलिटिकल बल्कि सड़कों पे अनरेस्ट लगातार आने लगा है। होना चाहिए, डेमोक्रेसी की ताकत है,
आप अगर किसी बात से संतुष्ट नहीं है तो असंतोष व्यक्त करना, लेकिन हर बात पे तो ऐसा क्या है? ये सरकार चुनी गई है बड़ी मेजॉरिटी से, लेकिन उसकी हर पॉलिसी के खिलाफ कोई लोग आ रहे हैं, तो क्या ये क्या गड़बड़ी क्या है? कहाँ पे कहीं कुछ ऐसी स्थिति है? क्या सरकार सही में जो उस पर आरोप लगता है कि ये फासिज्म है, फासिस्ट है, या कहीं कुछ और है? इसका सर मैं सबसे बड़ा रीज़न देखता हूँ ट्रस्ट डेफिसिट का। जो सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है और जो लोगों के लिए इंप्लीमेंट करा है, उनके भी सर ट्रस्ट डेफिसिट है। तो उसके लिए सरकार को सर अवेयरनेस फैलानी होगी। जैसे अभी जैसे अनरेस्ट की बात करें हम CAA के केस में या अन्य केस में, तो उसके लिए जो ज़्यादातर लोग जो विरोध कर रहे थे, तो उनको शाहीन बाग का नाम सुना? जी सर। जस्ट सपोज आप DCP हैं उस एरिया के। जी सर। आप जानते होंगे कमिश्नरी क्षेत्र में जी जो पुलिस पावर है, आप DCP हैं। जी सर। सेम इशू, सेम थिंग इज हैपनिंग, शाहीन बाग में लोग बैठे हैं, बस एक चेंज है कि DCP आप हैं। जी सर। CA आ गया, लोग आ गए सड़क पे, इसी तरह से अनरेस्ट हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं उस कारण हो रही हैं, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है या कुछ और बातें हो रही हैं, आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? सबसे पहले तो सर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी ज़रूरी है, और जो आम जनता है या फिर जो कस्टमर या फिर जो भी उस जगह से गुजर रहा है, उन दोनों को सर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना सर मेरा मेन फोकस रहेगा। उसके बाद सर जैसे वहाँ पे हो गया कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के बाद क्या करना होगा, तो लोगों को जैसे हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं फिर या जो रोड ब्लॉकेज है उनको खुलवाना होगा सर, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है जो आर्टिकल 19 के तहत हमारा अधिकार है व्यक्ति की आज़ादी और उसके अंदर जिसमें हम बिना हथियारों के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो लेकिन उसके अंदर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है सर, जैसे यातायात भी है उसमें पुलिस जो स्थानीय व्यवस्था है उसके आधार पर उसको रोका जा सकता है सर। तो सबसे जो रोड ब्लॉकेज है उनको सर मैं खुलवाने का प्रयास करूँगा, और इसके लिए जैसे फोर्स के यूज करने से अच्छा है कि उन लोगों के को समझाया जाए भी या फिर उनको दूसरी जगह प्रोवाइड करवाई जाए। अच्छा, बहुत सारे डिसीजन ये सरकार ले रही है, बहुत सारे पारित कर रही है जो पहले कभी लगता ही नहीं था कि पास हो पाएगा। अगर आप कश्मीर आर्टिकल 370 को लेकर देखें और जिस तरीके से हुआ, हमारी पीढ़ी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसे सॉल्व भी हो सकता है ये केस, और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। फिर ऐसे ही चालान, अभी आप मैम से बात कर रहे थे तो चालान जो है हमारे बिहेवियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। तो अगर सरकार ऐसे कड़े कानून ला रही है जी सर, जो शायद जरूरत भी हो और इसी तरीके से आ सकता है ना, लेकिन फिर भी लोगों में, अब देखिए लगातार कई ऐसी चीजें हुई जो बड़े ही फ्यूचरिस्टिक थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, और 70 साल से हमारी कहीं ना कहीं डिमांड थी जी सर। हम कई सारी ऐसी बातें करते हैं, तो क्या लगता है कि भारतीयों की आदत हो गई है कि हम फोर्स से ही सुनते हैं? जब कोई एक्ट आ जाए, कानून आ जाए, डंडा आ जाए, चालान आ जाए, तभी हम सुनते हैं, ये भी एक चीज देखी गई, और है तो ऐसा क्यों है? नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते हम। जैसे जो कानून आए हैं वो अगर 4 या 5 कानूनों को छोड़ दिया जाए सर, तो उसके बेस पे हम पूरे जो सोसाइटी है या फिर पूरे इंडियन लोगों को है उनको सर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें बल की आदत है। जबकि जैसे हम दूसरे कानून देखेंगे, जैसे CSR हो गया, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें सर हमारे फंडिंग में लगातार वृद्धि हुई है। जैसे ITR फाइल है उसमें भी लोग कंटिन्यू जैसे अपनी स्वेच्छा से त्याग कर रहे हैं। पहल स्कीम होगी सर, जैसे LPG की सब्सिडी त्याग करने वाले, तो उसमें सर लोग अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सारे कानून हैं उसके लिए हमें डंडों की ज़रूरत है या फिर पूरी सोसाइटी में बदलाव कराने के लिए। आपने मन की बात सुनी है? नहीं सर। नहीं सुनी? क्यों नहीं सुनी? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि इस पूरे गवर्नमेंट, 6 साल लगभग ये गवर्नमेंट अब होगी जी सर, एक सबसे बढ़िया एक्ट जो लगता हो कि बहुत अच्छा काम हुआ, और एक ऐसा एक्ट इस सरकार द्वारा पारित, कोई कानून, कोई भी कार्य जो आपको लगता है कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा गलत हुआ? जी सर, पहले तो सर मैं जैसे अच्छे काम का बताना चाहूँगा, तो स्वच्छ भारत अभियान है सर, वो मैं अच्छे काम में सबसे ऊपर रखूँगा। और जैसे बुरे SDG में भी है क्या स्वच्छता? जी सर। क्या है SDG, कौन सा टारगेट है, कौन सा गोल है ये सर? SDG 6 जी सर। हाँ, एंड इंडिया इज डूइंग वेरी वेल जी सर। हाँ, और आगे जो बुरा काम है सर, उसमें मैं डिमोनेटाइजेशन को सर बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता था सर, जो उसके उद्देश्य है उसकी पूर्ति की जा सकती थी सर। आपने बोला कि लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को ड्रॉप किया गया था जी सर। प्रेसिडेंट आपने वुड्रो विल्सन नहीं, ट्रूमन थे, लेकिन उसके बाद क्या कभी कहीं और यूज़ हुआ है? वो दो बॉम्ब को छोड़ दीजिए, और कहीं पॉसिबिलिटी हुई हो उससे, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आपको याद हो जी सर, इसको यूज़ करने की कोशिश की गई हो जी सर?
जैसे क्यूबा के केस में हम देखते हैं सर, जो कोल्ड वॉर में जो क्यूबा में हुआ था, वहाँ जो नाभिक हथियार वो डिप्लॉय किए गए थे सर, डिप्लॉय किए गए थे जी सर, पर उनका यूज नहीं किया गया था सर उस टाइम पे, रशिया ने यूज किया जी सर कोल्ड वॉर। अच्छा एक बात बताइए, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है जी सर, क्या भारतवर्ष में, क्योंकि आप केमिस्ट्री वाले हो, क्या भारतवर्ष में इसका इस्तेमाल हो सकता है, और कितना इसमें इम्पेडिमेंट क्या है अगर न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सर पहले हमें देखना हो भारत में यूज हो रही है सर, जैसे हमारी टोटल एनर्जी है उसमें 2% जो हिस्सा है वो न्यूक्लियर एनर्जी का है। आज हम 7000 मेगावाट के करीब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं सर, पर उसके अलावा हमें जो दूसरी एनर्जी है उस पर अधिक फोकस करना होगा सर। न्यूक्लियर एनर्जी जैसे हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल भी दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है सर हमें, उसमें भी जैसे खतरे हैं, जैसे उसके बाद जैसे जापान में सुनामी के टाइम पे हुआ था तो उन टाइप के खतरों की संभावना रहती है, जबकि भारत में सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया जो ज़्यादा क्लीनर फ्यूल माना जाता है सर, उसकी संभावना ही अधिक है सर। गुड, थैंक यू। ओके, थैंक यू, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर।